अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के दोस्तों, आज मैं आपको डायमंड यानी हीरे से बने चंद बहुत खूबसूरत जेवरात दिखाऊंगा। आप ये वीडियो देखें और उसके साथ साथ मैं आपको हीरों के बारे में कुछ मालूमात भी आपके नज़र करता जाऊंगा। आप हीरों के जेवरात भी देखते जाएं और इनकी मालूमात से भी आप फ़ायदा उठाते जाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आप वीडियो देखिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डायमंड यानी कि हीरा दुनिया की कीमती तरीन मादनियात। मादनियात की ज़बान में हीरे से मुराद कार्बन की एक शक्ल है। इस शक्ल में कार्बन की कलमें मखसूस ढांचे की शक्ल में जुड़ी होती हैं जो हीरे का ढांचा कहलाता है। हीरा ग्रेफाइट की निस्बत कम मुस्तहकम होता है। हीरे को इसकी मखसूस खसूसियात की वजह से जाना जाता है। किसी भी दूसरे मादे की निस्बत हीरे सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा हरारती मुसल होते हैं। इन खसूसियात की वजह से हीरों को काटने और चमकाने वाले औजारों में हीरा ही इस्तेमाल किया जाता है। हीरे की बसरी खसूसियात काबिल ज़िक्र हैं। इंतहाई सख्त ढांचे की वजह से इसमें बहुत कम मिलावटें मुमकिन हैं। इसके अलावा शफाफ होने की वजह से हीरा अमूमन बेरंग होता है। ताहम बहुत मामूली मिलावट की वजह से हीरे का रंग नीला, पीला, भूरा, सब्ज, जामनी, गुलाबी, माल्टाई या सुर्ख भी हो सकता है। इन्हीं खसूसियात की वजह से हीरे को सबसे अहम कीमती पत्थर शुमार किया जाता है। कुदरती तौर पर हीरे इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और इंतहाई ज़्यादा दबाव के नतीजे में ज़मीन की सतह से 140 ता 190 किलोमीटर नीचे बनते हैं और इनके बनने का अरसा 1 अरब से 3.3 अरब साल तक होता है। आतिशफिशां के फटने के वक्त लावे की हरकत से हीरे सतह ज़मीन के करीब आ जाते हैं। हीरों को मस्नूई तौर पर इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और इंतहाई ज़्यादा दबाव के तहत भी बनाया जा सकता है जो असल अमल की नक्काली होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। हीरों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इनको हिंदुस्तान में निकाला और पहचाना गया। हिंदुस्तान में हीरों के मुतालिक कम से कम 3000 साल से लेकर 6000 साल कबल तक इंसान जानता था। आज हीरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बतौर जवाहरात किया जाता है। इनकी चमक दमक की वजह से जवाहरात की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मालूम कुदरती अनासिर में हीरा सबसे ज़्यादा सख्त है। सख्ती से मुराद इस पर खराश का ना पड़ना है।
हीरे की सख्ती का इन्हज़ार इसके खालिसपन कलमी शक्ल और इनके मयार पर होता है। अच्छे हीरे अच्छे मयार के हीरों पर दूसरे हीरे से ही खराशें डाली जा सकती हैं। कच्चे हीरों पर खराश डालने के लिए दीगर अनासिर या मरकबात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हीरे की सख्ती ही इसके कीमती होने का सबब है। इस पर की गई पॉलिश इंतहाई लंबे अरसे तक अपनी चमक दमक कायम रखती है। दीगर जवाहरात के बरक्स हीरे को रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी पॉलिश ख़राब नहीं होती। आम तौर पर हीरों को बिल्कुल शफाफ होना चाहिए, तहम कुछ मिलावटों की वजह से हीरे मुख्तलिफ रंग के हो सकते हैं। हीरे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ हीरों की कीमत यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 2008 में हस्पानवी बादशाह का एक 35.56 किरात वजनी नीला हीरा 2,40,00,000 डॉलर का बिका। मई 2009 में 7.3 किरात वजनी नीला हीरा 95,00,000 डॉलर का बिका। इसी साल 5 किरात वजनी गुलाबी हीरा 1,80,00,000 डॉलर में बिका। सालाना 13 करोड़ किरात यानी 26,000 किलो वजन के बराबर हीरे निकाले जाते हैं। इनकी मालियत तकरीबन 9 अरब डॉलर के लगभग होती है। इसके अलावा 1,00,000 किलो हीरे मस्नूई तौर पर बनाए जाते हैं। हीरों की तकरीबन निस्फ मकदार वस्ती और जनूबी अफ्रीका से निकलती है, ताहम कैनेडा, अमरीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हीरे निकलते हैं। हीरे की कटाई में इसका निस्फ तक वज़न कम हो जाता है। हीरे की सख्ती और इसकी कलमी साख्त, ज़्यादातर हीरों में मिलावट होती है। कारीगर जायज़ा लेता है कि कौन सी मिलावट को काट कर अलग करना है और कौन सी हीरे में रहने दी जाए। नोकदार औजार और हथौड़ी की एक ज़रब से हीरे को तोड़ा जा सकता है, ताहम इस तरह हीरा ख़राब हो सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर हीरे से बनी आरी से इसे काटा जाता है, जो बहुत वक्त लेता है। जो हीरे जवाहरात के लिए मौजूद ना हों, उन्हें सनती इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि सनती इस्तेमाल में उनकी चमक दमक या खूबसूरती को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इसलिए तकरीबन 80% हीरे सनती इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कानों से निकले हीरों के अलावा मस्नूई हीरे भी सनती इस्तेमाल में लाए जाते हैं।